हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लॉक रीजनिंग का शॉर्टकट ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए दोस्तों, क्लॉक रीजनिंग में कुल 8 टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला टाइप होता है एंगल, ठीक है। एंगल से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे कहा जाएगा कि घड़ी में अगर 4:30 बज रहा है तो दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। उसी तरह से दूसरा होता है रिफ्लेक्स एंगल, यानी बाहे कोण से आपसे पूछा जाएगा कितने डिग्री का दोनों सुइयों के बीच कोण बन रहा है, ठीक है। और तीसरा होता है कोइंसाइड, यानी कि सुइयों का एक साथ मिलना, यानी कब कब दोनों सुई एक साथ मिलते हैं, यानी एक के ऊपर एक होती है, ठीक है। चौथा होता है अपोजिट साइड, यानी सुइयों का एक दूसरे के विपरीत होना, यानी कब कब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। और पांचवा हमारा होता है राइट एंगल, यानी कब कब 90 डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच। और छठा होता है मिरर इमेज से रिलेटेड प्रश्न, और सातवां होता है वाटर इमेज से रिलेटेड प्रश्न, और आठवां हम देखेंगे मिसलेनियस, यानी कि जितने भी नए क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन छूट गए होंगे, सारे को इसमें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा आपने दोस्तों कि 8 तरीके का प्रश्न पूछा जाता है क्लॉक रीजनिंग से। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोइंसाइड, ठीक है, और अपोजिट और राइट एंगल का शॉर्टकट, ठीक है। इन तीनों का शॉर्टकट हम लोग आज पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही ट्रिक से ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तीनों से हम लोग आज दो दो प्रश्न देखेंगे, यानी कुल 6 प्रश्न देखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को आप जरूर देख लें। बच जाएगा क्या, हमारा बचेगा एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ठीक है। तो इसे हम पार्ट में खत्म करेंगे ये चारों को, ठीक है। और पार्ट 3 में हम मिसलेनियस देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कोइंसाइड, अपोजिट और राइट एंगल का शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन की। तो यहां पर सबसे पहले हम दो क्वेश्चन देखेंगे कोइंसाइड का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 बजे व 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होंगी। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो फॉर्मूला का हम यूज करेंगे, वो फॉर्मूला कहाँ से आता है, पहले हम उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, मान लिया जाए कोई घड़ी यहाँ पर है और घड़ी में बज रहा है 12, यानी दोनों सुई 12 पर है, ठीक है। दोनों सुई यानी घंटे वाला सुई और मिनट वाला सुई, दोनों सुई यहाँ पर 12 पर है। अब यहाँ पर दोनों सुई एक साथ चलना स्टार्ट करता है, ठीक है। दोनों सुई एक साथ चलना स्टार्ट करता है, तो एक घंटे के बाद हम देखेंगे, तो एक घंटे के बाद यानी 60 मिनट के बाद अगर हम देखेंगे, तो ये मिनट वाला सुई फिर यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। यानी ये 60 मिनट पूरा चलेगा तो फिर यहीं पर आ जाएगा, यानी 60 मिनट का एरिया ये कवर कर लेगा। उसके बाद अगर हम घंटे वाली सुई को देखेंगे तो वो कितना एरिया कवर करेगा, सिर्फ 5 मिनट का। ये 12 से हटकर 1 पर आ जाएगा घंटे वाला, एक घंटे के बाद, ठीक है, यानी 60 मिनट के बाद। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिनट वाला सुई 60 मिनट चलता है और घंटे वाला सुई सिर्फ 5 मिनट चलता है, यानी कि मिनट वाला सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट तेज चलता है, ठीक है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट तेज चलता है, दोनों को हम घटा लेंगे तो 55 मिनट ये तेज चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, 55 मिनट तेज भागने के लिए 60 मिनट का समय लगता है, ठीक है। यहाँ पर 55 मिनट तेज भागने के लिए 60 मिनट का समय लगता है, तो 1 मिनट तेज भागना हो तो कितना समय लगेगा। 55 मिनट भागने में 60 मिनट लग रहा है, तो 1 मिनट भागने में कितना समय लगेगा, 60 बटे 55, ठीक है, 60 बटे 55 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा 5 से, तो ये हाँ हो जाएगा 12 बटे 11। बस ये जो 12 बटे 11 है, यही हमारा है फॉर्मूला, इसे ही हमें सब जगह यूज करना है। तो 1 मिनट तेज भागना हो तो कितना समय हम लगेगा, 60 बटे 55, यानी 12 बटे 11, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा था, 4 और 5 बजे के बीच सुइयां कब एक साथ में होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 और 5, तो पहले वाले टाइम को हमें लेना है। तो 4 सबसे पहले हमें बजाना है घड़ी में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर 4 बजाएंगे, अगर यहाँ पर 4 बजाएंगे तो घंटे वाला सुई 4 पर होगा, मिनट वाला सुई 12 पर होगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि कितने समय में ये दोनों सुई 1 पर 1 होगा, यानी कि दोनों एक साथ में होगा। तो देखिए यहाँ पर मिनट वाले सुई और घंटे वाले सुई के बीच का डिफरेंस कितना है, 20 मिनट का डिफरेंस है। यहाँ 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, यानी कि मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ आना, यानी कि इतना तो एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, मिनट वाली सुई को एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 4 ही पर है, ये इतना पीछे है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। ये 20 मिनट हमें लेना है, यानी कि मिनट वाले सुई को 20 मिनट का एरिया कवर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कौन से फॉर्मूला का यूज करेंगे, 1 मिनट का स्पेस गेन, यानी 1 मिनट का एरिया कवर करने के लिए कितना तेज चलना पड़ता है मिनट वाली सुई को, 12 बटे 11 चलना पड़ता है, 12 बटे 11 गुना तेज चलना पड़ता है। तो यहाँ पर 20 मिनट का एरिया हमें कवर करना है, यहाँ पर 20 मिनट का एरिया कवर करना है, तो इस 20 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे 12 बटे 11, ठीक है।
तो हम जब गुना करेंगे तो 20 को 12 से गुना करेंगे 240 होगा, 240 में 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 21 सहित 9/11। ठीक है, ये हो गया हमारा मिनट। और कब से हमने स्टार्ट किया था, 4 बजे से स्टार्ट किया था, तो 4:21 सहित 9:11 मिनट पर ये दोनों सुई एक साथ में होगा। ये होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझे हैं तो दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 9 बजे व 10 बजे के बीच सुइयाँ कब एक साथ में होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 9 से 10 के बीच सुइयाँ एक साथ कब में होगी, तो यहाँ पर 9 से 10 है तो सबसे पहले घड़ी में हम 9 बजाएंगे। ठीक है, सबसे पहले घड़ी में हम 9 बजाएंगे। देखिए तो घंटे वाला सुई यहाँ पर 9 पर है, मिनट वाला सुई 12 पर है, ये दोनों कब आपस में मिलेगा, घंटे वाला सुई यहाँ से तो धीरे 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 यहाँ तक चलेगा, ठीक है, यानी कि 10 तक आएगा, 10 से थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ये मिनट वाले सुई को देखिए कितना एरिया ट्रैवल करना है, यहाँ से लेकर 9 तक आना है। ठीक है, यहाँ से लेकर पहले 9 तक आना है, यानी कि इसे यहाँ से लेकर 9 तक यहाँ तक एक्स्ट्रा इसे मिनट वाली सुई को चलना है। जब ये यहाँ से यहाँ तक जब इतना चलेगा तो ये यहाँ से यहाँ तक घंटे वाला थोड़ा सा चलेगा। ठीक है, तो यानी कि मिनट वाली सुई को कितना एरिया स्पेस एक्स्ट्रा गेन करना है, देखिए यहां से 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 25 30 35 40 45, यानी मिनट वाली सुई को 45 मिनट एक्स्ट्रा चलना है। ठीक है, मिनट वाली सुई को यहां पर 45 मिनट एक्स्ट्रा चलना है। तो यहाँ पर एक मिनट का एरिया कवर करने के लिए कितना तेज चलना पड़ता है, 12/11 से गुना हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर 45 मिनट का एरिया कवर करना है तो हमें कितना तेज चलना पड़ेगा, गुना करेंगे हम 12/11 से। ठीक है, 12/11 से गुना करेंगे, 45 को 12 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 540/11। 540 को हम जब 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 49 सहित 1/11, ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, हमने कब से स्टार्ट किया था चलना, 9 बजे से, तो 9:49 सहित 1/11 मिनट पर ये दोनों सुई एक साथ होगी। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो अब चलिए दो क्वेश्चन हम अपोजिट वाले देखते हैं, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 8 बजे व 9 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम उसी ट्रिक से। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 8 बजे और 9 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो यहां पर सबसे पहले हम 8 बजाएंगे घड़ी में। ठीक है, सबसे पहले यहां पर हम 8 बजा लेंगे, तो घंटे वाला सुई यहां पर 8 पर है, मिनट वाला सुई यहां पर 12 पर है। ठीक है, तो दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत कब होगी, जब ये मिनट वाला सुई यहां पर 2 पर आ जाए। ठीक है, 8 के ठीक विपरीत 2 है, जब मिनट वाला सुई 2 पर आ जाएगा तब ये दोनों एक दूसरे के सामने होगी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मिनट वाली सुई को कहां पर आना है, 2 पर आना है, यानी कि सिर्फ इतना एरिया कवर करना है, यानी कितना एक्स्ट्रा चलना है, सिर्फ 10 मिनट चलना है, पूरा यहां से लेकर 8 तक चलने का तो जरूरत नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ाना हमें होता था तब यहां से लेकर यहां तक हम चलाते थे। ठीक है, पूरा 40 मिनट चलाते, लेकिन यहां तो हमें अपोजिट चाहिए, यानी कि बस सुई मिनट वाली सुई को बस 2 पर आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। यानी कितना एक्स्ट्रा इसे चलना पड़ेगा, सिर्फ 10 मिनट, यानी सिर्फ ये 10 मिनट का एरिया यहां पर हमें कवर करना है। ठीक है, अगर अपोजिट आना है तो। ठीक है, तो 1 मिनट का एरिया कवर करने के लिए 12/11 से गुना करते हैं, यहां पर 10 मिनट का एरिया कवर करना है, गुना कर देंगे 12/11 से, तो 10 में 12 से गुना करेंगे 120 होगा, 11 करेंगे, 120 में जब डिवाइड देंगे 11 से तो यहां पर आ जाएगा 10 सहित 10/11 मिनट। तो हमने कब से स्टार्ट किया था चलना, 8 बजे से, यानी 8:10 सहित 10/11 मिनट पर ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 10 बजे और 11 बजे के बीच सुइयां कब एक दूसरे से ठीक विपरीत दिशा में होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, 10 से 11 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होगी। तो सबसे पहले हम घड़ी में यहाँ पर 10 बजा लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 10 बजाएंगे तो घंटे वाला सुई यहाँ पर 10 पर होगा, मिनट वाला सुई 12 पर होगा, तब एक दूसरे के विपरीत दिशा में ये दोनों कब आएगा। ठीक है, जब ये मिनट वाला सुई यहाँ से घूम कर यहाँ 4 पर आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा इसे चलना है, मिनट वाली सुई को जब दोनों एक दूसरे के सामने होगा तो यहाँ पर 20 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 5 10 15 20,
ये एरिया कवर करना है उसे 20 मिनट का, यानी 20 मिनट उसे तेज चलना है। एक मिनट तेज चलने के लिए 12/11 से गुना करते हैं, 20 मिनट तेज भगाने के लिए हम गुना कर देंगे इसे 12/11 से, ठीक है। 20 को 12 से गुना करेंगे 240 होगा, बटे में 11 होगा, 240 को हम जब 11 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 सहित 9/11 मिनट। तो हमने चलना शुरू किया था 10 बजे से, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, 10:21 सहित 9/11 मिनट पर ये दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होगी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए दोस्तों, कोइंसाइड और अपोजिट साइड ये दोनों का कॉन्सेप्ट तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, आप कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो तीसरा हमारा टॉपिक है राइट एंगल, लेकिन राइट एंगल को शुरू करने से पहले कोइंसाइड और अपोजिट साइड का कुछ बेसिक बातें भी है, उसे भी आप जान लें। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 24 घंटे में कोइंसाइड दोनों सुइयाँ कब करती, यानी दोनों सुइयाँ एक के ऊपर, ऐसा कितनी बार होता है 24 घंटे में, ठीक है। अगर ये आपसे पूछा जाए तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, 24 घंटे में दोनों सुइयां एक के ऊपर कितने बार होता है, इसका आंसर होगा 22, यानी 22 बार होता है, क्योंकि एक घंटे में एक बार होता है, ठीक है। एक घंटे में एक बार ऐसा होता है जब दोनों सुइयां एक के ऊपर एक होता है, तो 24 घंटे में तो 24 बार होना चाहिए, लेकिन ये होता है 22 ही बार, ठीक है। तो कब ऐसा वो घंटा है जब वो एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है, कब होता है, 11 से 12 के बीच में, ठीक है। 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक के ऊपर एक नहीं होते, क्यों नहीं होती है, देखिए घड़ी में अगर मान लिया जाए कि यहां पर बज रहा है 11 बज रहा है, तो छोटा वाला यानी घंटे वाला सुई 11 पर है और मिनट वाला सुई यहां पर 12 पर है, ठीक है। तो ये जब 11 से 12 जब यहाँ पर ये मिनट वाला सुई ये पूरा जब घूमेगा, जब यहाँ से 11 से जब ये 12 बजेगा, तो दोनों सुई यहाँ पर 12 पे एक बार मिलेगा, ठीक है। तो या तो इसे आप 11 बजे में काउंट कर लो, या तो आप इसे 12 बजे में काउंट कर लो, यानी दोनों को तो एक ही बार गिनना पड़ेगा, या तो 12 बजे वाले में गिनो या एक या 11 बजे वाले में गिनो। तो यहाँ पर एक बार ये कम हो जाता है, तो ऐसा कितने बार होता है, ऐसा 2 बार होता है, इसलिए 2 बार कम हो जाता है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा 22 बार दोनों। तो उसी तरह से एक प्रश्न और बनता है अपोजिट साइड वाला, अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार होती है, ठीक है, दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत 24 घंटे में कितनी बार होती है, तो एक घंटे में एक बार होता है दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। एक घंटे में एक बार ऐसा होता है, तो 24 घंटे में 24 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी 24 घंटे में ये 22 बार ही ऐसा होता है जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होता है। तो वो कौन सा ऐसा 2 घंटा है जब दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होता है, तो इसका आंसर होगा 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है, देखिए घड़ी में अगर यहाँ पर हम बजा लें 5, ठीक है, 5 अगर यहाँ पर हम बजा लें, और उसके बाद यहाँ जब ये दोनों सुई जब चलेगा, जब यहाँ पर एक घंटा जब बीतेगा, तो यहाँ पर बज जाएगा 6 बजे दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत होता है। तो 5 से 6 बजे वाले में ये काउंट नहीं होगा, ये 6 से 7 बजे वाले में काउंट हो जाता है। तो ये बीच में यहाँ पर रह गया है 5 से 6, तो ऐसा 5 से 6 एक घंटा यहाँ पर माइनस हो गया, तो ऐसा 2 बार होता है, एक बार दिन में एक बार रात में, तो ये 2 घंटा लेस हो जाता है यहाँ पर भी, यानी कि 5 से 6 बजे के बीच दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 22 बार। तो अब चलिए टाइप 3 देखते हैं राइट एंगल। तो क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले इसका भी कुछ बेसिक सवाल है, पहले हम उसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। आपसे अगर पूछा जाए कि 90 डिग्री का एंगल एक दिन में कितनी बार बनता है, यानी 90 डिग्री का कोण एक दिन में यानी 24 घंटे में कितनी बार ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक घंटे में कितनी बार होता है, तो सबसे पहले एक घंटे में देखें 2 बार होता है। कैसे होता है, देखिए मान लिया जाए कि ये घड़ी है, घड़ी में बज रहा है 6, ठीक है। तो यहाँ पर घंटे वाला सुई है आपको 6 पर, मिनट वाला सुई है 12 पर, ठीक है। मान लिया 6 बज रहा है, तो 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब मिनट वाला सुई और घंटे वाली सुई के बीच 15 मिनट का होगा डिफरेंस। 15 मिनट के डिफरेंस पर ये दोनों क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा दोनों सुई के बीच में। तो एक बार ये मिनट वाला कांटा अगर 3 पर जाएगा तो एक बार बनेगा, ठीक है, उसके 15 मिनट का डिफरेंस यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक बार ये 9 पर जाएगा तो यहाँ भी 15 मिनट का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कौन बनेगा। तो एक घंटे में 2 बार होता है, तो 24 घंटे में होना चाहिए 48 बार, ठीक है, 24 घंटे में 48 बार ऐसा होना चाहिए, लेकिन 48 बार नहीं होता है, सिर्फ होता है 44 बार, ठीक है, 44 बार होता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए जब 3 बजता है, ठीक है, जब 3 बजता है तो 90 डिग्री का एंगल पहले से ही होता है, मिनट वाली सुई को आगे पीछे करने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जब 3 बजता है तब 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है।
तो उसके बाद इसे क्या करेंगे, या तो 2 से 3 बजे वाले में काउंट कर लेंगे या फिर 3 से 4 बजे वाले में काउंट कर लेंगे, तो एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार घट गया, तो ऐसा एक बार हो नहीं, तो ऐसा 3 दो बार बसता है, एक बार दिन में बसता है, एक बार रात में बसता है, तो ये तो 2 बार ऐसे कम हो गया, ठीक है। उसी तरह से जब 3 बज रहा, उसी तरह से इसका उल्टा 9 बजता है, तब भी 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जब 9 बजता है तब भी ऐसा ही होता है, तो इसे या तो आप 8 से 9 बजे वाले में काउंट कर लो या तो 9 से 10 वाले में काउंट कर लो। तो एक बार यहाँ पर घट गया, तो 9 दो बार बजता है, एक बार दिन में एक बार रात में, ठीक है। तो यहाँ भी आपको 2 बार ये हो जाता है कम, तो 2 2 4 बार कम हो जाता है। 48 में से 4 घटा दें, यहाँ पर होगा 44 बार। तो अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 6 बजे के बाद फर्स्ट टाइम 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 6 बजे के बाद पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। पहली बार 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब ये मिनट वाला सुई यहाँ पर 3 पर आ जाए, यहाँ पर 15 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा, 5 10 15, जब ये मिनट वाला सुई 3 पर आ जाएगा, जब तब 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। यानी मिनट वाली सुई को कितना तेज चलना पड़ेगा, यहाँ पर 15 मिनट का एरिया कवर यहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। ये 15 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा। तो आपको पहले हमने बताया था कि 1 मिनट का एरिया कवर करने के लिए 12/11 से गुना करते हैं, तो यहाँ 15 मिनट का एरिया कवर करना है तो 12/11 से गुना करेंगे 15 में। तो यहाँ पर जब 15 में 12 से गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 180 180/11। 180 को जब आप भाग देंगे 11 से तो यहाँ आ जाएगा 16 सहित 4/11 मिनट। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था 6 बजे से, यानी कि 6:16 सहित 4/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है 7 बजे के बाद सेकेंड टाइम 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 7 बजे के बाद, ठीक है। तो चलिए इसे भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए घड़ी है, घड़ी में सबसे पहले हम 7 बजाते हैं, ठीक है। तो 7 यहाँ पर बज गया है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण कह रहा है दूसरी बार कब बनेगा, तो पहली बार कब बनेगा, 15 मिनट का डिफरेंस चाहिए, 1 2 3। पहली बार बजेगा कब, जब 4 पर काटा जाएगा, ठीक है। दूसरी बार कब बनेगा, 5 10 15, यानी जब मिनट वाला कांटा 10 पर आ जाएगा तब दूसरी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ मिनट वाली सुई को कितना एरिया ट्रेवल करना होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, यानी 50 मिनट का एरिया इसे कवर करना है। यानी कितना स्पीड चलना पड़ेगा, देखिए 1 मिनट का एरिया कवर करने के लिए 12/11 से गुना करते हैं, यहाँ 50 मिनट का एरिया कवर करना है, तो 50 में गुना कर देंगे 12/11 से, 50 में जब 12 से गुना करेंगे तो 600 होगा, 600 में जब 11 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 54 सहित 6/11 मिनट। तो 7 बजे से हमने स्टार्ट किया था, तो कितने बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, 7:54 सहित 6/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इसके नेक्स्ट पार्ट के वीडियो में हम एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, मिरर इमेज, वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन का शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।